फंडामेंटल्स अच्छे होने के बावजूद क्या किसी कंपनी में 90% तक की गिरावट हो सकती है, वो भी पिछले एक साल में? तो आज की वीडियो में हम दो ऐसी कंपनी का विश्लेषण करेंगे जिनके के स्टॉक प्राइसेस जहां पे ये एक कंपनी का 600 रुपए हुआ करता था 18 जनवरी 2018 को और आज इसके प्राइस 60 रुपए तक गिर चुके हैं, वहीं पे दूसरी कंपनी का प्राइस जहां पे 240 रुपए हुआ करता था 18 सितंबर 2018 को, आज इसके प्राइस 47 रुपए पर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में एक रिटेल निवेशक को निवेश करने से पहले क्या करना चाहिए, और अगर ऐसी कंपनी में निवेश ऑलरेडी कर रखा है तो उसको कैसे मॉनिटर बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर अपना YouTube हिंदी में चलाते हैं तो सदस्यता लेबल पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज की पहली कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यूज, नाम तो सुना होगा आपने। तो ये प्राइमरली जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और इसके जो ऑनलाइन रिटेल इंडस्ट्री की तरह काम करती है, ऑनलाइन इसकी एक वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल चार्ट दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप कंपनी कोई भी हो, कैसी भी हो, स्टॉक कैसा भी जा रहा हो, जो टेक्निकल्स हैं ये अपने आप में खूबसूरती से काम करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे RSI लेवल्स को फॉलो करता हुआ ये चला आ रहा था, लेकिन ये जो बड़ी गिरावट हुई इसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में। तो ये बड़ी गिरावट भी RSI यहाँ से एक तरह से ये नोटिफाई कर रहा था, और अब देखिए इसमें काफ़ी समय से जो है ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। हालांकि ये 31 रुपये तक गिरा था और यहाँ से ये अभी 47 रुपये के आसपास चल रहा है। तो किसी कंपनी में निवेश आपने अगर कर रखा है तो आपको उस कंपनी के बारे में एटलीस्ट पता कर लेना चाहिए कि वो कंपनी कैसी है। और हम हालांकि फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि हाँ भाई कंपनी के स्टॉक में निवेश अब कर देना चाहिए, लेकिन बीच बीच में हमें वो देखते रहना चाहिए कि इसका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है और मैनेजमेंट में कैसी कैसी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। जैसा कि हम इन्फीबीम एवेन्यूज़ के बारे में देखें तो इसकी एक न्यूज़ आ रही थी 6 मई 2019 को, एक न्यूज़ आई है जिसमें कि इन्होंने जो अपना ऑडिटर होता है उसको पोस्ट से हटा दिया है, क्योंकि ऑडिटर ने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर किया था और जो कि कंपनी पब्लिश नहीं कर रखी थी, और इसकी वजह से उन्होंने ये ऑडिटर को अपने हटा दिया। तो ऑडिटर जनरली वो होता है जो कंपनी के इन एंड आउट की जानकारी रखता है और कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहती है। और अगर कोई कंपनी ऐसे ऑडिटर को हटा रही है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ चल रहा है। तो इससे पहले इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, आइए एक नज़र डाल लेते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ के फंडामेंटल्स पर। तो हम देख सकते हैं कि जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है कभी 14,000-13,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, और अब ये घटकर 3,000 करोड़ रुपए पर सिमट गया है। और वहीं पे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 5% के करीब है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.5% के करीब है। प्रमोटर होल्डिंग घट के इसमें रह गई 38% के आसपास, और इसका जो पी रेशियो है वो 29 के करीब है। सेल्स ग्रोथ इनकी बहुत ही अच्छी है, 42-43% के करीब है, वहीं पे पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ 41% के करीब है। डिविडेंड भी देते हैं ये भाई साहब, 5 करोड़ रुपए का डिविडेंड दे रखा है पिछले साल, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनका पिछले साल का 156 करोड़ रुपए के आसपास। तो डेप्ट इनका बहुत ही कम है जो कि 67 करोड़ रुपए के आसपास है। अर्निंग पर शेयर इनकी घट के 2 रुपये पर शेयर की हो गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और आकर्षित करने वाले हैं। इनकी कंपनी देखी जाए तो एक तरह से डेब्ट फ्री है और अच्छा क्वार्टर परफॉर्मेंस भी दे रही है, और कोई भी इसमें आकर्षित होकर निवेश कर सकता है। तो सितंबर 2018 में करीब 240 रुपये पर शेयर हुआ करता था, और एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हुआ था उस समय, आप लोग सभी लोग जानते होंगे क्योंकि काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। तो उसमें क्या हुआ था कि कंपनी ने इंटरेस्ट फ्री अनसिक्योर्ड लोन्स दिया था इसकी यूनिट्स को, ये एलेज किया था लोगों ने, और करीब 135 करोड़ रुपए का इन्होंने अनसिक्योर्ड लोन्स दिया था, और उसकी वजह से शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी और 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था शेयर होल्डर्स को। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी में निवेश करने के साथ साथ उसको हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए, और जैसा कि
आपने देखा होगा कि हम अगर कोई पेड़ लगाते हैं तो उसको पानी देते रहना चाहिए, ये नहीं कि भाई हमने निवेश कर दिया और उसको देखते हैं कि एक न्यूज आती है एक दिन और वो स्टॉक धड़ाम से गिर जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा स्टॉक है पीसी ज्वेलर का, तो इसके केस स्टडी करते हैं हम और इसमें देखते हैं कि टेक्निकली ये फिर से ये ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत ही अच्छा टेक्निकल यहाँ पे हिंट दे रहा था। तो देखिए RSI जो है, जब ये इसमें न्यूज आने वाली थी तो ये 606 रुपये तक पहुँच गया था और उसके बाद ये धड़ाम से गिरा, और यही वो ड्यूरेशन है जहाँ पे वो न्यूज आई थी जिसकी वजह से ये ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है और ये गिरा था 47 रुपये पर। हालांकि इसको उठा के 162 रुपये तक ले गए लेकिन फिर भी ये गिरता जा रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है और हमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और इसके फंडामेंटल्स भी देखते हैं। तो पीसी ज्वेलर्स के फंडामेंटल्स पर एक नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2600 करोड़ रुपए के आसपास का है, और वहीं पे जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो हम देख सकते हैं कि 17% के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा फिगर है। और इनका डेब्ट देखें तो 2000 करोड़ रुपए का है, तो कंपनी जितने की मार्केट कैपिटलाइजेशन उतने का डेब्ट है, तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका पिछले साल का 1000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो 20 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने पिछले साल डिविडेंड दिया था, और मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड इन्वेस्टमेंट्स इनकी 18 करोड़ रुपए के आसपास है, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है बाज़ार में। और वहीं पे सेल्स ग्रोथ देखें तो इनकी 14% के आसपास है पिछले 3 साल की, और पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ जो है 19% के आसपास है। तो ओवरऑल इनका जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, और कोई भी रिटेल निवेशक जो है इसमें आकर्षित हो सकता है। हालांकि जो इनका अर्निंग पर शेयर देखें वो नेगेटिव हो गया क्योंकि इसकी शेयर प्राइसेस में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मई 2018 में जब इसकी गिरावट शुरू हुई थी तो उसके बाद से इसमें करीब 80-90% की गिरावट आ चुकी है, और देखा जाए तो ये स्टॉक बायबैक अनाउंस किया था इन्होंने लेकिन वो भी जो है निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सका, और एक तरह से जो इसमें एक लहर चली थी सेल करने की तो इसमें से एग्ज़िट किया, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक कम किया इसमें। वहीं पे फिडलिटी देखा जाए तो फिडलिटी ने करीब 3% स्टेक कम कर दिया था इसमें, और धीरे धीरे करके इसमें से जितने भी निवेशक थे वो निकल चुके थे। तो वक्रंगी के बारे में कौन नहीं जानता, तो वक्रंगी के साथ जुड़ी हुई खबर भी आई थी इसके बारे में, पीसी ज्वेलर्स के बारे में, तो इसकी वजह से इसके प्राइसेस में भारी गिरावट हुई थी और आज तक ये उसकी वजह से उबर नहीं पाया है। तो दोस्तों इन दोनों कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल विश्लेषण के बाद हम इनको सम अप कर सकते हैं 4 पॉइंट्स में। तो जो है एक रिटेल निवेशक होता है उसको निवेश के साथ साथ अपने निवेश का केयर भी रखना पड़ता है, ये नहीं कि भाई निवेश कर दिया और उसको भूल गए। हाँ, कई लोग कहते हैं कि भाई फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है और इसमें निवेश कर दो और 15 साल के बाद देखना, तो वो अलग चीज़ होती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें टेक्निकल्स पे स्विंग ट्रेड लेना चाहिए और उसमें काफ़ी मुनाफा हम कमा सकते हैं अगर न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स है तो। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो न्यूज़ है उस पर नज़र बना के रखनी चाहिए हमें, किसी भी कंपनी में अगर हमने निवेश कर रखा है तो उसकी कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो हमें उसमें एक एप्रोप्रिएट डिसीजन लेके उसमें से एग्ज़िट कर लेना चाहिए। और चौथा पॉइंट आज का ये है कि जो मैनेजमेंट है उस पर भी हमें नज़र बना के रखनी चाहिए, और कोई भी चेंजेस मैनेजमेंट में हो रहे हैं उस कंपनी में जिस कंपनी में हमने निवेश कर रखा है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें जी की जानकारी आपके काम की होगी।